नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। हत्या के प्रयास में मुकदमे में फंसी आरोपियों द्वारा साजिश के तहत झूठे मुकदमे फंसाए जाने से परेशान पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शहर कोतवाली के हथिया गांव की रहने वाली दर्जनों महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची। पीड़ित ब्रिजभान निषाद के घर की महिलाओं का आरोप है कि कुछ दिनों पूर्व कुंदन अंगद सहित 6 लोगों ने ब्रिजभान को मारपीट कर घायल कर दिया था। इस मामले में सभी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। इसी रंजीश को लेकर आरोपियों ने फर्जी केस में फंसाने के लिए ब्रिजभान के खिलाफ साजिश के तहत शहर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि जिस समय का यह मुकदमा किया गया है उस समय ब्रिजभान घर पर ही मौजूद था। पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम निषाद है। कहाँ रहने वाली है? हथिया गांव के हम हैं। क्या है पूरा मामला, किस लिए आए हैं? मामला यह है कि मुन्ना निषाद सुनील उनका लड़का है, एक लड़की का उसके साथ अफेयर था, लड़की सुनकर कास्ट की है। बकिया वो जो है कि उसमें जो वो एक बार पकड़ा गया था, उसके बाद थाना कोतवाली में उनका एफआईआर हुआ था कि दोनों सुलह सपाट कर लिए थे। फिर बाद में जो है वो उसके घर पकड़ा गया, उसके बाद उसमें हमारे देवर को फंसाया जा रहा, जबकि हमारा देवर हमारे घर हमारे पास मौजूद थे। उसके लिए फिर जो है कि हम उसमें जो पुरानी साजिश मतलब पुराने कुछ हुआ था उसी के लेकर अंगा सोनकर कुंदन सोनकर वही वो लोग फंसाया जा रहा, ना उनका नाम है कोई ना उसमें कोई उनका दबाव बना। मामला क्या है बस मतलब वही जो है जांच कर रहे हैं अभी। हाँ, उनका ना ही उसमें कोई नाम है उनका, ना ही उनके पिता का नाम है, ना गांव का नाम है, बस सिर्फ मतलब हमें क्या हमें उनको न्याय मिलना चाहिए और क्या चाहते हैं हम।